क्वी ज्वाइन इज इन एसक्ट कंडीशन दैट इज द इक्वल टू साइन ओके तो ये कंडीशन uh, है जो किसका यूज करती है इक्वल टू तो साइन का यूज करती है एज अ कंपेरिजन ऑपरेटर फोर डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड ओके तो इक्वी जॉइन ज्वाइन में क्या है इट डिफाइनज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन फील्ड मतलब ये दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करती है किस बेसिस पे कि उन दो टेबल्स के अंदर कॉमन फील्ड्स हैं, राइट दो कॉमन फील्ड्स क्या हो सकते हैं आपकी प्राइमरी की एंड फॉरन की राइट ओके तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का बनता है एक टेबल में प्राइमरी की होगी और सेम डेटा दूसरे टेबल में होगा एज अ फॉरेन की राइट इन इक्विट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द ज्वाइनिंग टेबल अपीयर इन द आउटपुट इवन इफ दे आर आइडेंटिकल इक्वी ज्वाइन के अंदर जब आप टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो दोनों टेबल्स के जितने भी कॉलम्स हैं वो अपीयर करेंगे चाहे बेशक से वो आइडेंटिकल हो मतलब सेम हो डुप्लीकेट हो फिर भी जितने भी कॉलम्स हैं दोनों टेबल के वो आपकी आउटपुट टेबल के अंदर आएंगे रिजल्टेंट टेबल के अंदर आएंगे ओके वी कैन ऑल्सो गिव टेबल एलियास निक नेम फॉर द टेबल नेम आप टेबल नेम के लिए अगर आपको लगता है टेबल नेम बार बार यूज करना पड़ता है और वो बिग है तो आप एलियास नेम दे सकते हो मतलब उसका निक नेम दे सकते हो एंड फर्दर वी कैन यूज द नेम एनी वियर इन द क्वेरी इन प्लेस ऑफ द टेबल नेम और आप एक बार उसको एलियास दोगे तो मतलब उसका डुप्लीकेट नेम दोगे या निक नेम दोगे तो आप उस निक नेम को बार बार अपनी क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हो ओके okay, सिंटेक्स क्या है सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी आपको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम टेबल वन टेबल टू टेबल वन से टेबल टू से वेयर और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बता रहे हो वेयर टेबल

ओके okay, अब इक्वी ज्वाइन के लिए हम दो टेबल्स यहाँ पे लेते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है मैं डेटा इसका शो करती हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल राइट ये आपकी स्टूडेंट टेबल है विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड सेकेंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस ओके okay, तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स है रोल नंबर एंड नेम एंड सेकंड टेबल आपके पास फीस है जिसमें अगेन दो कॉलम है रोल नंबर एंड फी तो यहाँ पे देखो एक यहां पे मैंने क्या किया है एक कॉलम को आइडेंटिकल रखा है रोल नंबर रोल नंबर राइट ओके तो आप अब हम क्या करेंगे इक् ज्वाइन परफॉर्म करते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर अब जो ए है ना मैंने वो क्या लिया है स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम लिया है तो अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे ए डॉट नेम तो मैंने स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर लिया यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से नेम लिया राइट बी डॉट फी और फीस टेबल से मैंने फी को लिया राइट फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट ए तो मैंने यहाँ पे स्टू सॉरी स्टूडेंट ए हाँ स्टूडेंट ए क्या है? दिया है स्टूडेंट का स्टूडेंट टेबल का एलियस नेम और यू कैन से निक नेम ओके एंड फीस बी और फीस टेबल का एलियस नेम क्या दिया है बी समझ आया सिलेक्ट ए डॉट रोल नंबर क्या है यहाँ पे आप अदरवाइज क्या लिखते हैं स्टूडेंट डॉट रोल नंबर स्टूडेंट डॉट नेम और यहाँ पे लिखते हैं फीस डॉट फी राइट right. तो so, उसको छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया स्टूडेंट टेबल का एलियास दे दिया ए और फीस टेबल का एलियास दे दिया बी अब सिंपली हमने ए डॉट रोल नंबर ए डॉट नेम बी डॉट फी दे दिया फ्रॉम स्टूडेंट ए अब यहाँ पे आपको इसको डिफाइन करना होता है कि इसका क्या एलियास नेम दे दो टेबल का स्टूडेंट ए फीस बी राइट वेयर अब यहाँ पे क्या दिखाओगे आप रिलेशनशिप दिखाओगे ए डॉट रोल नंबर मतलब स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है ओके okay. वो किसके इक्वल है वो आपका फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है राइट right? देखो आपका आ गया है ये ये क्या है आपका इक्वी ज्वाइन राइट right? अब देखो आपने ए टेबल मतलब स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर दिया लिया था तो स्टूडेंट टेबल से आपके पास रोल नंबर आया है राइट right? और आपने क्या लिया था नेम लिया था ओके okay? ओके okay. नेम भी आपका स्टूडेंट टेबल से आया फी आपकी कहां से आई है आपकी फीस टेबल से आई आपने क्या लिया स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर ओके नेम और फीस टेबल से आपने ली फी लेकिन आप क्या कर रहे हो दो टेबल्स की टपल को ज्वाइन हो तो यहाँ पे कॉमन कॉमन रोल नंबर क्या है आपको कौन कौन से टपल्स एक्सेस करने हैं जहां पे स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर इक्वल है फी टेबल का रोल नंबर राइट तो टू वाला राइट right? टू वाला आ गया फोर वाला फोर आ जाएगा आपका एंड आपका आ जाएगा फाइव समझ आया आपने कंडीशन क्या दी थी जहां पे स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर किसके इक्वल है फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है तो आपके पास थ्री रिकॉर्ड्स आएंगे कॉमन रिकॉर्ड्स आएंगे ठीक है तो यहाँ पे रोल नंबर टू नेम आएगा जया और फीस आएगी फोर्टी फाइव हंड्रेड ओके एंड आपकी सेकेंड टेबल क्या होगी ने रोल नंबर फोर नेम दीक्षा ओके एंड फी क्या होगी आपकी फिफ्टी फाइव हंड्रेड राइट एंड थर्ड टपल आपकी क्या आएगी रोल नंबर फाइव नेम प्रणव एंड फी आपकी क्या आएगी फाइव थाउजेंड ओके तो ये आपकी टेबल आ गई है जहां पे रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर किसके इक्वल है फी टेबल के रोल नंबर के इक्वल है राइट right? अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं जॉइन का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अब हम क्या करें सारे रिकॉर्ड्स ले रहे हैं कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं ले रहे फीस वेयर कंडीशन लगा देंगे वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर फाइन मैंने क्या लिया स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फीस सारे कॉलम्स आ जाए स्टूडेंट के और फीस के जहाँ पे लेकिन कौन से कॉलम्स आएंगे कौन सी टपल्स इसमें आएंगी कॉलम्स तो सारे आ जाएंगे बट टपल्स कौन सी आएगी वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू फीस डॉट रोल नंबर जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर की जो वैल्यू है वो फीस के रोल नंबर की जो वैल्यू है उसके इक्वल हो राइट right? अब यहाँ पे इक्वी ज्वाइन में एक और कंडीशन होती है कि जब आप दो कॉल, दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो राइट right? दो कंप्लीट टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो तो जो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं आइडेंटिकल मींस जो सेम है वो भी रिजल्टेंट टेबल में अपीयर करते हैं देखो इसका रिजल्ट प्रेस करती हूँ अब यहाँ पे देखो ये रोल नंबर किसका है स्टूडेंट टेबल का देन नेम अब यहाँ पे तीन रिकॉर्ड ही आए हैं क्यों क्योंकि जहां जहां पे रोल नंबर आइडेंटिकल था दोनों का देखो टू फोर फाइव टू फोर फाइव ओके तो ये रोल नंबर एंड नेम किसका है स्टूडेंट टेबल का है फिर रोल नंबर एंड फी किसका है फीस टेबल का है राइट right? ओके okay? अब यहाँ पे रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का और रोल नंबर आपका फी टेबल का दोनों आइडेंटिकल है फिर भी ये क्या है रिजल्टेंट टेबल में आए हैं इनकेस ऑफ द इक्वी जॉइन राइट ओके okay, और जो जो आपका जो कंडीशन हमने दी थी स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू फीस डॉट रोल नंबर जो तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट के जो रोल नंबर है वो किसके इक्वल हो फी के रोल नंबर के इक्वल हो तो जहाँ जहाँ पे इक्वल है वहां वहां पे क्या हुआ है डेटा इसने टपल्स को क्या किया है ज्वाइन किया है राइट नेक्स्ट वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू